Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So I again welcome you all to our today's Sunday session series, that is your problem solving session series. So on our today's session series, I'll be discussing, or I'll try my best to give all those answers of the questions which were being asked by you people only. So without taking much of your time, here I am moving ahead with our first and foremost query, which was being asked by Samyak Sharma. Samyak Sharma, आपने राजस्थान हिस्ट्री से रेलेवेंट एक क्वेरी की थी कि सर अभी कितने लेक्चर्स और रिमेनिंग है ऑफ राजस्थान हिस्ट्री. सो Samyak, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू गार्गी क्लासेस. एंड इट्स क्वाइट वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कि हम उतने लेक्चर्स कवर करेंगे जिनमें आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए. तो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, लेक्चर्स विल बी देयर विद यू पीपल. सो आपको कंटिन्यू वॉच करना है, देखना है, वीडियोज़ को फॉलो करना है, प्लस अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने हैं बाय वॉचिंग दी वीडियो लेक्चर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेरी वी हैव फ्रॉम संगीता. संगीता, यू आस्क्ड अस टू मेक मोर वीडियोस रिलेटेड टू अदर टॉपिक्स. अदर टॉपिक जो कि राजस्थान से रेलेवेंट है, आपने वीडियोस बनाने के लिए रिक्वेस्टेशन डाली थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू गार्गी क्लासेस संगीता. और यहाँ पे मैं आपको कंफर्म कर दूँ कि राजस्थान से रेलेवेंट ऑलरेडी 3 to 4 सीरीज चल रही है. वर्ल्ड जियोग्राफी फॉर राजस्थान फॉर RAS, इंडियन जियोग्राफी फॉर RAS, एंड राजस्थान हिस्ट्री फॉर RAS. तो ये तीनों चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली चल रही हैं अभी, और बाय कमिंग डेज बहुत जल्द हम ट्राई करेंगे टू अपलोड द सीरीज रेलेवेंट टू आर्ट एंड कल्चर टू. तो जो भी साइमल्टेनियस जो भी सीरीज चल रही है अभी, आप उनको कंटिन्यू देखें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, और जो भी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज जल्दी ही लॉन्च करेंगे हम अपॉन आर चैनल कार्गी क्लासेस, आप उसको भी कंटिन्यू देखें. थैंक यू. नेक्स्ट क्वेरी वी हैव फ्रॉम रितिका. रितिका, आपने एक क्वेरी डाली थी अपॉन दी UPSCIS मेंस इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट से रेलेवेंट, कि मैम आप डेली वीडियोज़ अपलोड करें. So, Ritika, first of all, welcome to Gargi classes. And right now, it's quite very difficult for us to upload daily videos related to your English literature optional. तो इसीलिए week में सिर्फ 2 दिन ही आपको video avail होने हो पा रहे हैं. But as soon as possible, हम पूरी कोशिश करेंगे कि at least 4 days in a week आपको ये particular videos avail कर पाऊँ मैं. So till then, do watch the videos जो भी आपको अवेल कराए जा रहे हैं, and stay connected with Gargi classes. Next query was from SDM. RAS pre भी complete करवा दो. आपने ये query डाली थी to complete RAS prelims too. RAS pre के preparation भी हम जल्दी कराना शुरू करेंगे as soon as possible upon our channel Gargi classes. For that you have to stay connected with Gargi classes. Next query we have from Vikram. Vikram, you asked us to start the videos related, video lectures related to Rajasthan art and culture. So definitely Vikram, जैसा कि मैंने अभी कहा था, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर से रेलेवेंट आपको सीरीज जल्दी ही अवेलेबल होगी अपॉन आर चैनल गार्गी क्लासेस. सो फॉर दैट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड एंड डू वॉच द वीडियोज कॉन्टिन्यूसली. नेक्स्ट क्वेरी वी हैव फ्रॉम अरुण. अरुण, आपने टेलीग्राम पे कंप्लीट PDF नोट्स अवेलेबल कराने के लिए रिक्वेजिशन डाली थी. सो डेफिनेटली अरुण, जो भी वीडियो लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, अगर उनमें कुछ ड्यू रह रहे हैं आपके PDF नोट्स, तो जल्दी आपको अवेलेबल होंगे अपॉन योर टेलीग्राम. और बाकी जो अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स हैं, साथ साथ में आपको उनके नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे वहाँ पर. Are from Amreen. Amreen, you asked us that how many lectures are remained of English literature optional for UPSCIS means English literature optional, कि कितने lectures अभी remaining हैं.
So, Amreen, first of all, welcome to Gargi classes. And for arts, it's quite difficult to tell you कि कितने lectures में combine हो जाएगा आपका ये पूरा syllabus है. Basically, क्या होता है, अगर continue lectures होते हैं weekly, daily lectures अगर available होते हैं तो 3 to 4 months का time लगता है. बट यहाँ आप जानते हो कि अभी वीक में सिर्फ 2 दिन ही आपको वीडियो लेक्चर्स अवेल हो पा रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी आने वाले दिनों में बरकरार रहेगी, एनहांस ही होगी इनफैक्ट. और ट्राई करूँगी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको 4 days इन अ वीक आपको अपने वीडियो लेक्चर्स अवेल करा सकूँ, और जितना हो सकता है एक कॉन्क्रीट वे में, जितना हो सकता है पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊं और इन अ कॉन्क्रीट वीडियोस. सो आपको उसके लिए क्या करना है, स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस एंड वॉच द वीडियोस कंटिन्यूअसली. वी हैव द लास्ट क्वेरी फ्रॉम सूर्यांश. सूर्यांश, यू पुट योर क्वेश्चन दैट कैन वी यूज डिफिकल्ट वोकैबुलरी while accomplishing the English literature optional paper for UPSC IAS mains. आपने ये अपनी क्वेरी डाली थी, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ सूर्यांश, इट्स अप टू योर ओन चॉइस, आपकी खुद की चॉइस है. UPSC सिर्फ आपके वर्ड्स की सुटेबिलिटी को चेक करती है कि वर्ड्स आप जो भी है आप आंसर के अकॉर्डिंगली यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. डिफ़िकल्टी नेवर मैटर्स, डिफ़िकल्टी मैटर नहीं करती है, सुटेबिलिटी ऑफ वर्ड्स मैटर करता है, प्लस आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स कि आप उस क्वेश्चन या आंसर को अटेम्प्ट करते टाइम भी किस तरीके के फॉर्मेशंस में वर्ड्स यूज करते हो. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर क्वेरीज. होप आपको, आप सभी को आपके जवाब मिल चुके होंगे. अगर और कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो वेरी मच फॉर अटेंडिंग लेक्चर्स एट गार्गी क्लासेस. डू वॉच द वीडियोज कंटिन्यूअसली. थैंक यू.